कुछ दिनों पहले एक गेम पॉपुलर हुआ था फॉल गाइज नाम से। अभी तक ना उसका क्रैक्ड वर्जन आया है ना ही उसका ओरिजिनल वर्जन फ्री में आया है, लेकिन एक बंदे ने उसके जैसा ही एक गेम बना दिया। मतलब ऑलमोस्ट सेम है, ग्राफिक्स थोड़े लो हैं, फ्री में है, तो और क्या चाहिए अपन को। अब ऑलमोस्ट सेम सा है गेम, बस थोड़े से मैप्स कम है उसमें। अब आप जब खेलोगे तो पता चल जाएगा। अभी मैं डाउनलोड प्रोसेस के बता देता हूँ। जो मोबाइल पे खेलते हैं उनके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर प्ले स्टोर पे जाके आप स्टम्बल गाइज सर्च कर लेना तो मिल जाएगा आपको, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप लिंक पे क्लिक करोगे तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना, लिंक के थ्रू डाउनलोड कर लेना। और अभी पीसी के लिए मैं थोड़ा सा मतलब ब्लू स्टैक से करना पड़ेगा, तो ब्लू स्टैक का बता देता हूँ कैसे करना पड़ेगा। अब ब्लू स्टैक की लिंक मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना पहले से, तो बहुत बढ़िया बात है। अब मैं आपको डाउनलोड का भी बता देता हूँ। यहाँ से आपको ये ब्लू स्टैक डाउनलोड करना है। डाउनलोड क्यों नहीं हो रहा? हो गया, ये हो चुका है डाउनलोड। अब इसको ओपन फाइल करना है और इसको क्लोज कर देते हैं। वो फाइल शायद तक ओपन नहीं हुई, तो 1 मिनट अपन डाउनलोड्स में जाते हैं। 1 मिनट, डाउनलोड्स, ये रहा। तो यहाँ से आप उसको डाउनलोड कर लेना, मतलब ओपन कर लेना। अभी आया था कुछ शायद, हाँ आया, यस। अब यहाँ पे आपको इसको इंस्टॉल कर लेना। 600 MB लगेगा करीबन, यहाँ पे लिख रखा होगा 524 MB। हो गया डाउनलोड, हो गया, अभी बस इंस्टॉल हो रहा है। हाँ तो गाइस, फाइनली इंस्टॉलेशन पूरा हो चुका है। मतलब बहुत ज्यादा टाइम लिया इसने इंस्टॉलेशन में, करीबन 15 मिनट। फास्ट फॉरवर्ड कर दिया था वीडियो को मैंने, इसलिए कम लगा थोड़ा, बाकी बहुत ज़्यादा टाइम लगा था। ओके ओके ओके, तो अपना इंस्टॉल हो चुका है ये। एक्सट्रैक्ट भी, मतलब अभी ऐप भी ओपन हो चुका है। 1 मिनट फुल स्क्रीन कर लेता हूँ मैं इसको। हो गया नहीं रहा? अरे इधर से कर लेंगे। टॉगल फुल स्क्रीन नहीं हो रही, नहीं हो रही। तो अभी ऑलमोस्ट फुल स्क्रीन हो गई है, बस ये साइड में ये दिख रहा है। कोई नहीं, यहाँ पे आपको क्या सर्च करना है, स्टम्बल गाइस। S-T-U-M-B-L-E-U-S। तो आप जैसे सर्च करोगे तो ये आपको दिखेगा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्टम्बल गाइस नाम से। अब इसमें एक और बात है, साइन इन करना पड़ेगा गाइस। तो गाइस साइन इन हो गया है। अब इसमें एक और बात मैं आपको बता देता हूँ, ये मल्टीप्लेयर है, मतलब आप इसको फ्रेंड्स के साथ भी खेल सकते हो और मतलब रैंडम्स के साथ भी खेल सकते हो। मेरे को यही एक गेम मिला पूरे प्ले स्टोर पे कि जो मतलब मल्टीप्लेयर हो, और फॉल गाइस का क्रैक्ड वर्जन, मतलब एक टाइप से कॉपीड वर्जन। इसके जैसे और भी मिल जाएंगे, लेकिन वो सिंगल प्लेयर मिलेंगे, और ग्राफिक्स भी मेरे को सबसे ज़्यादा बढ़िया इसी के लगे। अब 46 MB में और क्या लोगे यार। अभी इसको इंस्टॉल कर लेते हैं अपन। ओके गाइस, इंस्टॉल हो चुका है, अब इसको ओपन करते हैं। अब गाइस एक और बात बता देता हूँ, मेरा गेम लैग होगा। अब मुझे नहीं पता ये क्यों होता है ब्लू स्टैक का। ब्लू स्टैक में मैं कोई भी गेम खेलता हूँ ना, तो गेम लैग होता है। अब इसका 1 मिनट म्यूट कर देते हैं। तो ये गाइस ये आपका हो चुका है। अब इसमें जैसे आप प्ले पे क्लिक करोगे तो आप मतलब रैंडम्स के साथ मैच हो जाओगे। अब जैसे 32 प्लेयर मैक्सिमम है इसमें, और मिनिमम भी 32 है, मतलब 32 होने चाहिए मिनिमम, वो 32 से ज़्यादा भी नहीं हो सकते।
अभी हो जा चालू। ओके लोडिंग, अभी इसको फुल स्क्रीन कर सकते हैं शायद। तो गाइज आप देख सकते हो कितना लैग हो रहा है मेरा गेम, मुझे नहीं पता क्यों हो रहा है ये, लेकिन ये लैग हो रहा है। अभी आप देख सकते हो ये जो कंट्रोल्स हैं ये मोबाइल के लिए हैं। अब जैसे आप इसको माउस को ले जाकर इधर करोगे तो ये आगे बढ़ेगा, लेकिन इससे मतलब बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। मतलब इसको आगे बढ़ाओगे या फिर जंप करोगे, मतलब दोनों एक साथ नहीं कर सकते काम। तो इसके लिए आप मतलब की बाइंडिंग सेट कर सकते हो। उसके लिए क्या करना हो, इसको पहले स्मॉल स्क्रीन करना, और आपको राइट साइड यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस दिख रहे होंगे। इसमें आपको ये दिख रहा होगा गेम कंट्रोल्स, इस पर क्लिक करना, और फिर ओपन एडवांस एडिटर, इस पर क्लिक करोगे तो आपके यहाँ पे एक और विंडो खुल जाएगी छोटी सी। अब इसमें आप ये डी पैड नाम से आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करना और इसको ये ड्रैग करके इसके ऊपर ले जाके रख देना एकदम सेंटर में। थोड़ा ऊपर नीचे चलेगा लेकिन ठीक है, सेंटर में रखोगे तो बढ़िया रहेगा। अब इसके लिए आप जो भी कंट्रोल सेट करना चाहो वो कर लेना। इसके लिए एरोज भी कर सकते हो या फिर WASD भी कर सकते हो। अब इसके लिए जाते हैं स्पेस बार करेंगे, तो इस पर क्लिक करना और यहाँ पे स्पेस कर देना, स्पेस बार स्पेस। यहाँ पे आप देख सकते हो दो बार स्पेस करोगे तो यहाँ पे स्पेस सेट हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको रख देना और फिर यहाँ पे सेव का ये ऑप्शन मिलेगा, इस पर सेव पे क्लिक कर देना लेफ्ट क्लिक। तो ये सेव हो चुका है, अभी इसको कैंसिल करना। और एक और बात, अब आप देख सकते हो यहाँ पे ये दिख रहे हैं, मतलब ये ना मतलब ये लेटर्स दिख रहे हैं WASD और ये स्पेस। तो गाइज अपन होम स्क्रीन पे आ जाते हैं तो भी ये लेटर्स दिखते हैं, आप देख सकते हो WASD जो भी है और ये स्पेस दिख रहा है। तो इसको हाइड कैसे करना है, अब इसमें आप ये साइड ये जो दिख रहा होगा आपको गेम कंट्रोल्स, इस पर क्लिक करना है और ये दिख रहा है ऑन स्क्रीन कंट्रोल्स, इसको ऑफ कर देना है, अब ये मतलब शो नहीं होंगे। तो यही थी वीडियो। वैसे गेम कैसा लगा आपको बताना कमेंट करके, मेरे को बढ़िया लगा, मतलब फ्री में जो मिल रहा है वो ठीक ही है, बड़ा तो बढ़िया ही है, और बाकी मतलब कोई कमी भी नहीं लगी मेरे को इस गेम में। 45-47 जितने भी MB का एक गेम है और फ्री में मिल रहा है, और क्या चाहिए भाई बस। With